ये मंदिर 500 वर्ष पुराना है, नैनासुर महादेव के नाम से है। इसमें रजिस्टर्ड डीड है, हम लोग ट्रस्टी हैं। मंदिर को हम लोग कवर कर रहे थे तो नखासे मोहल्ले के रहने वाले यादव लोग, ये पहले भी कब्जा कर चुके हैं, दबंगयाई दिखाते हैं। 12/2/17 को इन्होंने फिर से प्रयास किया, जेसीबी लेकर आए यहाँ कब्जे करने की नीयत से, इन्होंने मशीन चलाई, उसे हमारे ट्रस्टी लोगों ने, हम लोगों ने इसको रोका। रोकने पर ये हमलावर हो गए और मारपीट पे आमादा हो गए, मारपीट करने लगे, जिसमें एक हमारे ट्रस्टी का जबड़ा और दांत टूटा। पुलिस में FIR दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने निष्पक्षता से जांच नहीं की। अब हम तो ये कहना चाहेंगे कि योगी शासन में मंदिर सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? कब्जा कर रहे थे योगी शासन में, कब्जा कर रहे थे। इतने हौसले बुलंद हैं ये भूमाफियाओं के। ये 12/2/17 की घटना है और इन्होंने कोई काम यहाँ नहीं करने देते। अगर हम इसे बंदिश करना चाहें कि चलो भाई, जब मंदिर की ज़मीन है, इसको कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और भक्तों को आराम हो जाए, यहाँ लेडीज़ें आती हैं, उनके संग बदतमीजी करते हैं, शराब पीते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पर औरतों को लाकर गलत काम भी किए जाते हैं। 5 लोगों, बाबा जी ने, बाबा भगवान दास ने, उनकी ज़मीन है ये, उन्होंने नियुक्त किए, उसमें राम नारायण वैद्य, मिढ़ई लाल, देवेंद्र बहादुर और राजेंद्र प्रसाद, बाबा ओमकारानंद, ऐसे 5 उन्होंने बनाए और उन्होंने उसमें खोल दिया कि ये ट्रस्टी अपने हिसाब से जैसे भी समझें उस हिसाब से अपने आगे के ट्रस्टी नियुक्त करते चले जाएं। उसी हिसाब से ये चलता चला आ रहा है और उसमें ट्रस्टी अब उनके लड़के आ गए, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग समाप्त होते जा रहे हैं तो उनके लड़के उनकी जगह पर आते जा रहे हैं। और इस ज़मीन को उन्होंने ये कहा कि इसे बेचने का और इसका कोई अधिकार नहीं रहेगा, ये ज़मीन नैनासुर महादेव के नाम चढ़ेगी, उनके ही नाम, उसके मालिक भगवान भोलेनाथ होंगे। जैसे पानी की यहाँ समस्या आई, हमने बगिया की जगह से एक टुकड़ा जल निगम वालों को टंकी बनाने के लिए दिया, 1 रुपये साल में, 29 साल का लखत पड़त में हमारा उनका वो हुआ। जी, कब का मामला है और क्या मामला है? हमें यहाँ 7 साल हो गई रहते रहते, आए दिन रोजाना हम यही यादवों का नाटक देखते हैं, दारू आएंगे पिएंगे यहीं, पाव जो है लेके आएंगे, बोतलें लेके आएंगे, नमकीन वगैरह भी लाते हैं, अंडे मीट भी यहाँ खाते हैं। मंदिर परिसर के अंदर? बाहर घास में। अच्छा, तो ये पूरा जो है स्थान जो है मंदिर परिसर में ही तो आएगा। हाँ। मना करो, गाली गलौज करते हैं, जबरन यहाँ गेंद बल्ला खेलते हैं, आके हमारी जो है लेडीजें भी रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, आए दिन गेंद लगा करती है, मना करो तो गाली गलौज करते हैं। तो क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं मंदिर परिसर में इस तरह के कोई भी बवाल ना हो।